लेक्चर से अगर किसी का कोई रहता है सो दे कैन आस्क फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट. ठीक है. अच्छा, तो आप लोगों को मैं ये एक बात बता देता हूँ कि बात हो रही थी हमारी कि माइक्स जो हैं पार्टिसिपेंट्स के वो ऑफ रखें, और अगर किसी का ऑन करना है तो परमिशन देके उसका माइक ऑन कर दिया जाए. बट आई सेट कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं सारे वेल बिहेव्ड हैं, तो आप लोगों के माइक ऑन रखने का मकसद यही है कि यार अगर आपका कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो, यू गाइस कैन इंटरप्ट मी और अपना क्वेश्चन पूछो, अपना डाउट क्लियर करो, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. ठीक है. सो आई होप कि लास्ट लेक्चर में से तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू अभी करेंगे उसका एंड देन विल स्टार्ट द लेक्चर. ठीक है. तो लास्ट टाइम हमने जो है वो बेसिक सिर्फ बात की थी प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स क्या होते हैं, और जावा का मैंने आपको थोड़ा बहुत सिंटैक्स समझाया था. ठीक है. लास्ट टाइम मैंने एक बात की थी कि हम लोग लास्ट टाइम मैंने एक बात की थी कि जावा का प्रोग्राम जो होता है वो राइट वंस एंड यूज एनीवेयर होता है. ठीक है. अब इसका क्या मतलब है? ठीक है. इसका मतलब ये है कि आप जावा का कोड, जावा का एक प्रोग्राम आपने अपने डिवाइस पे लिख लिया है, आप उसको कहीं भी दोबारा से यूज कर सकते हैं. हालांकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, आपको डिवाइस टू डिवाइस उसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं. अब इसकी रीजन क्या है? इसके पीछे है JDK. JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट. ठीक है. अब जावा का अपना एक इन्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. ठीक है. इसमें फिर डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं जो कि जावा के कोड को एग्जीक्यूट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है आपका जो जावा का कोड है वो आप कहीं भी दोबारा से किसी और दूसरे डिवाइस पे भी रीयूज कर सकते हैं. नहीं तो अमूमन ये होता है कि आप अगर किसी और जगह पे उस कोड को यूज़ करें तो आपको थोड़ी बहुत डिवाइस के हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं. ठीक है. तो अब हमारे पास होती है उसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन होती है. ठीक है. और क्या कहते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है. एक हमारे पास होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर. अब ये कहने का मकसद क्या है? हमने लास्ट टाइम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था, मैंने आपको बताया था कि आपने जब क्लास को नेम कर दिया तो सबसे पहले आपकी क्लास से स्टार्ट होगा प्रोग्राम. ठीक है. उधर से रीड होना स्टार्ट होगा. अब एक आपकी जो है बाइट फाइल बनेगी जो कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो रीड करता है. उसमें से हॉटस्पॉट्स जो है वो फाइंड आउट कर लेता है कि दिस इज़ द वेरिएबल, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड ओवर टाइम, और हमने इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है. तो दैट मेक्स जावा अ फास्ट लैंग्वेज एंड बेसिकली दिस लैंग्वेज इज़ यूज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट. ये तो होगी हमारी बात. ठीक है. तो ये थोड़ा बहुत हमने पिछला कवर कर लिया एंड नाउ विल मूव ऑन एंड ओके नाउ विल मूव ऑन एंड हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग आज डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द डेटा टाइप्स. थोड़ा बहुत वेरिएबल्स को पढ़ेंगे एंड थोड़ा बहुत हम लोग इफ स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे. ठीक है. अब क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो है वो प्री मेडिकल से आए होंगे तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद प्री मेडिकल से आया था. सो आई नो कि कंप्यूटर तो हम लोगों ने टच भी नहीं किया था प्रॉपरली. ठीक है. तो इतना नहीं पता होता. तो आप लोगों को मैं साइड बाय साइड जो है वो गाइड करता रहूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से चीज़ें करनी है. ठीक है. सो आई हैव द स्लाइड्स विद मी. मैं आप लोगों के साथ ही शेयर भी कर दूंगा. हमारे एक बहुत ही काबिल मोहतरम उस्ताद हैं जिनका नाम रिजवान राशिद है, उनकी बनाई हुई स्लाइड्स हैं ये. ठीक है. तो अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड विल स्टार्ट फ्रॉम काइंडली इनका माइक बंद करते हैं जो भी हैं. ओके. सो आई होप मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको. काइंडली कोई एक बंदा हैंड रेस करके मुझे बस ये बता दे कि स्क्रीन शो हो रही है या हाँ ठीक है. थैंक यू सर. ठीक हो गया एंड विल मूव ऑन. ठीक है. विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर आई गेस. सो हाँ ठीक है. सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि प्रोग्रामिंग जो है वो आप लोगों का एक प्ले ग्राउंड है. आपके पास इतने इतने ऑप्शन है कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं. द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू ऑफ योर चॉइस. आपके पास कंप्लीट प्ले ग्राउंड है, आप जो करना चाहें उसमें कर सकते हैं. बट हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है. तो सबसे पहले तो हम लोग आज बात करेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल और एल्गोरिथम्स की, कि ये चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं. ठीक है. अभी आप सोचें कि आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई टास्क आपने कंप्लीट करना है, तो उसको करने का सबसे सूटेबल वे ये है कि आप उसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे कि मैंने सबसे पहले किस स्टेप को लेके आना है. ठीक है. सबसे पहले मैं इस स्टेप को परफॉर्म करूंगा, उसके बाद मुझे ये स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा एंड देन आई हैव द डिजायर्ड आउटपुट. ठीक है. फिर उसमें आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मुझे इसमें से इनपुट क्या चाहिए,
मुझे इसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या करनी है और मुझे इसमें से आउटपुट क्या डिजायर्ड है, जो मेरा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब इसने इधर क्या लिखा है, अ गुड प्रोग्रामर विल प्लान फर्स्ट एंड राइट सेकंड, ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज प्रोग्रामिंग टास्क इनटू सेवरल स्मॉलर टास्क। जो बात मैंने अभी आप लोगों की है कि एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ही है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उसको सॉल्व इस तरीके से करना है कि आप देखें कि इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो मुझे चाहिए अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, अपना जो है टास्क कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और फिर आपने ये सोचना है कि मुझे इस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने दो चीज़ों को ऐड करना है, तो आपको सबसे पहले तो दो नंबर सही होंगे जिनको आपने ऐड करना है, ठीक है, ऑब्वियसली ऐड करना है। फिर आपने उस पर ऑपरेटर कौन सा लगाना है, ऑब्वियसली प्लस का निकालना है, एंड देन यू विल हैव अ रिजल्ट दैट इज योर आउटपुट। दैट इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। एंड ये एक ओवरव्यू दिया गया है सेवन स्टेप्स का, ठीक है। स्टेप 1-4 डिवाइस एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम इसी चीज को कहते हैं, दिस इज योर एल्गोरिदम कि आपने स्टेप बाय स्टेप में अपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपका एल्गोरिदम बन गया, जब आपने एल्गोरिदम बना लिया, आपने माइंड मैपिंग कर लिया, आपने पेपर पे उतार लिया कि यार ये प्रोग्राम है, ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व करना है, फिर आपका अगला स्टेप ये है कि आपने उस चीज को कोड में कन्वर्ट करना है ताकि वो कंप्यूटर के ऊपर रन हो सके, ठीक है। दैट इज योर सेकेंड टास्क। एंड उसके बाद आपका सिक्स स्टेप ये होगा कि आप उस प्रोग्राम को टेस्ट करें, ठीक है, उस प्रोग्राम को टेस्ट करें कि यार इज इट वर्किंग फाइन, जो मैंने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो चल भी रहे हैं कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोग्राम में एरर आ गया है, प्रोग्राम में कोई गलती आ गई है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डिबग करते हैं, ठीक है। आपने उसको डिबग किया, आपको अगर प्रॉब्लम नज़र आ गई है तो आपने उसको कोड में चेंज कर दिया, दोबारा से टेस्ट किया प्रोग्राम को, फिर कोई गलती आ गई, दोबारा से डिबग किया, फिर कोड की तरफ गए, एंड इवेंचुअली आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर बार 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 आपको लग रहा है कि यार डिबग करने के ऊपर, डिबगिंग होती है कि आपके कोड में जो एरर्स हैं उनको आप ठीक कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं तो उनको आप ठीक करें, इट्स कॉल्ड डिबगिंग इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है यार बार बार डिबगिंग कर रहा हूँ और इसमें मुझे लगता है कि कोई एरर एज सच नहीं है, तो फिर आप जाएंगे अपने एल्गोरिदम पे, आपके एल्गोरिदम में क्या इशू है, अब्दुल वहीद कुरैशी कोई क्वेश्चन है आपका? ओके सो वी आर गोना इग्नोर इट। अच्छा उसके बाद क्या है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताई है, सेट ऑफ वेल डिफाइंड लॉजिकल स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन टू परफॉर्म अ टास्क, कि आपने एक प्रोग्राम को किस तरह से सॉल्व करना है, दैट इज एन एल्गोरिदम, ठीक है। सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस पे फॉर एन आवरली पेड एम्प्लॉय, ये हमारे पास अब टास्क आ गया। तो एल्गोरिदम हमने क्या बनाया, इसको हमने फोर स्टेप्स में डिवाइड कर लिया कि यार ये फोर स्टेप्स हैं तो इसके अंदर हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले आप पहले दो स्टेप्स पर अगर गौर करें, गेट द नंबर ऑफ आवर्स वर्ड, ठीक है, आपको इनपुट में सबसे पहली क्या चीज़ चाहिए कि उसने कितनी देर काम किया है, ग्रॉस पे फॉर एन आवरली पेड मतलब एक घंटे में वो कितना कमा रही है और उसने कितने घंटे काम किया है, और उसका जो है आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इनपुट में हमने नंबर ऑफ आवर्स दे लिए कि उसने कितनी देर काम किया है, ठीक है। और फिर हमने सेकेंड स्टेप में ये किया कि हमने आवरली पे रेट ले लिया कि यार उसकी पे कितनी है पर आवर के हिसाब से, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय द आवरली पे रेट, और जितने घंटे उसने काम किए उनको मल्टीप्लाई किया। और स्टेप फोर हमारा ये कि हमने जो कैलकुलेशन की है उसको हम लोग जो है वो सामने रखते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब कहने को तो ये चार सिंपल से स्टेप्स हैं, बट आपकी बड़ी से बड़ी भी कोई प्रॉब्लम हो प्रोग्रामिंग की, वो आप इन्हीं स्टेप्स से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको इनपुट्स चाहिए जो आपको यूजर से चाहिए कि यार ये इनपुट मुझे मिलेंगे, इसके ऊपर मैंने ये प्रोसेसिंग करनी है और ये मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है जो कि मुझे चाहिए। आप इन स्टेप्स के अंदर जब अपना प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है सूडो कोड। अब सूडो कोड क्या होता है, ठीक है, सूडो मीन्स अ लैटिन वर्ड आई गेस, इसका मतलब होता है फॉल्स, इधर लिखा हुआ भी है फेक कोड, ठीक है, मतलब दैट्स अ फॉल्स कोड, वो आप कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कोड एंड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज, ठीक है, आप अपनी आसानी के लिए, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हैज नो सिंटैक्स रूल, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज में अगर कोड कर रहे हैं तो आपके पास एक सिंटैक्स का रूल होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना है तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोडिंग करनी है। सो दैट इज योर सिंटैक्स रूल।
जबकि सूडो कोड में आपको रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज नॉट अ मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड, वो आपके कंप्यूटर पे रन नहीं होगा, ठीक है। इधर नीचे लिखा हुआ भी है, नॉट मेंट टू बी कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेड, यूज्ड टू क्रिएट मॉडल प्रोग्राम, नो नीड टू वरी अबाउट सिंटैक्स एरर, कैन फोकस ऑन प्रोग्राम डिजाइन, कैन बी ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू एक्चुअल कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यही सब कुछ जो है आप इसको पाइथन में लिख सकते हैं, डिस्प्ले प्रिंट, डिस्प्ले की जगह आप लोगों ने पाइथन पढ़ी होगी, डिस्प्ले की जगह आप प्रिंट करते हैं, इसको ब्रैकेट्स में करते हैं, ठीक है। इनपुट ले लें यूज़र से, फिर इसी तरह से एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, इनपुट ले लें यूज़र से, फिर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर आप इसका रिजल्ट स्टोर कर रहे होंगे, और प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आप इसको जो है वो करवा सकते हैं। अब देखें, ये सिंपल सी एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है जिसके अंदर जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है, और प्रिंट की कीवर्ड की जगह इन लोगों ने डिस्प्ले का कीवर्ड यूज़ किया है। आप इसको सिंपल मॉडिफिकेशन करके आप इसको कोड भी बना सकते हैं, सो दिस इज़ योर सूडो कोड, ठीक है। सो आई होप दैट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंटरप्ट करके यहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई एम गोना मूव फॉरवर्ड। फ्लो चार्ट्स, व्हाट आर फ्लो चार्ट्स, हम अब इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने एल्गोरिदम्स बना लिए कि हमने अपने प्रोग्राम को कितने स्टेप्स में डिवाइड करके क्या डिजायर्ड आउटपुट लेना है, फिर आपने उसका सूडो कोड भी बना लिया, ठीक है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, आप एक फ्लो चार्ट बना लें। अच्छा, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि किन स्टेप्स के अंदर जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि ये आप लोगों ने रैप्टर में इस तरह से किया होगा, दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द एंड, फिर आप लोगों ने जो है वो इनपुट ले ली, नंबर ऑफ आवर्स वर्क्ड, एक स्टेप बाय स्टेप है। दिस एरो हियर रिप्रेजेंट्स कि आप इनपुट ले रहे हैं, दिस एरो हियर रिप्रेजेंट्स कि आप इनपुट ले रहे हैं। इधर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल्स को भी हम डिस्कस करेंगे तफसील से, ठीक है। मैं एक एक बेसिक चीज़ को कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो प्री मेडिकल के स्टूडेंट होंगे इधर जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, तो उनके लिए, ठीक है। और फिर आप लोगों ने जो है एक आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू इसको डिस्प्ले कर दिया। बेसिकली एक पिक्चोरियल वे के अंदर आप अपने जो स्टेप्स हैं, जो एल्गोरिदम है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इज अ फ्लो चार्ट, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो हेयर दैट मीन्स इट्स इनपुट, एरो हेयर इट मीन्स इट्स इनपुट, एरो हेयर ऑन द अदर साइड, ऑन द राइट साइड, इट मीन्स कि ये आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं। नो एरोज मीन्स इट्स अ वेरिएबल, टोटल पे के नाम से एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर हम लोग रिजल्ट स्टोर करा रहे हैं, आवर रेट एंड आवर्स वर्क, ठीक है। सो दैट इज इट, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे सारी आगे वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको की हैं, नो नीड टू डिस्कस दिस, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी बताए, हैंड रेज करके डू लेट मी नो किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अगर सबको समझ आ गया तो काइंडली अपने हैंड्स एक दफा रेज कर दें। ओके, बाकियों को समझ नहीं आई अभी? हारून, ओके, जवेरिया एंड आयशा, आपको समझ नहीं आई? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके सबीन, आप अपना हैंड जो है वो डाउन कर सकती हैं, ठीक हो गया। एंड we move on towards to the next lecture. Okay. अब हम लोग जो है जो आज का मैंने मेन टॉपिक कवर करना था आपका वो था ये, जिसके अंदर हम लोगों ने सिलेक्शन क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना था, इफ एल्स स्टेटमेंट का आपको कॉन्सेप्ट देना था मैंने, और इसमें डाटा टाइप्स की भी हमने बात करनी थी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बिगिनर्स, ठीक है। तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के अंदर। ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स, इस लेक्चर में हम लोग इस स्लाइड्स में क्या चीज़ें डिस्कस होंगी एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ सिंपल जावा प्रोग्राम, क्रिएटिंग कंपाइलिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स, एनाटॉमी ऑफ अ जावा प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग एरर्स, ठीक है। वैसे तो इनकी हेडिंग से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इधर क्या बातें हो रही हैं, तो हम लोग एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू अकॉम्प्लिश अ टास्क, ठीक है। एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस तो आप सबको पता है ना, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं एक डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, उसको हम एक सीक्वेंस कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप ये कहो कि यार मैं यूजर से इनपुट बाद में लूंगा, पहले मैं इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लूँ या पहले मैं अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँ, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक सीक्वेंस में चलना होता है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्रामिंग
एज इट सजेस्ट कि ठीक है एक प्रोसेस है जिसमें आप प्लान कर रहे हैं कि यार ये चीज़ें हैं जो मैंने इस प्रोग्राम में करनी है, एंड देन यू क्रिएट इट, दैट इज सिंपल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इसको आप थोड़ा समझते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स, सिंबल एंड स्पेशल वर्ड्स यूज टू कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें होती हैं, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, कि आपने आप इंग्लिश लिख रहे हैं उसमें आप कहते हैं यार नाउन है तो उसको कैपिटल वर्ड में करना है, एक आपने वर्ड लिख लिया उसके बाद आपने स्पेस ही नहीं है। ठीक है, कंट्री का नेम है लेसन नाउन तो आपने उसको कैपिटल में कर दिया, कॉमास कहाँ पे आने हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट कहीं पे शो हो रही है आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया शो करने के लिए, आप कहीं पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया। सो दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स, हर लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, आप उर्दू में लिख रहे हैं उर्दू में आपको रूल्स मिलेंगे कि आपने अगर उर्दू में कुछ लिखना है, आप मजमून लिख रहे हैं उसका लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, आप लेटर लिख रहे हैं उसको लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। सो ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आपको जेहन में रखते हुए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जैसे पाइथन के अंदर आप लोगों ने आइडेंटेशन को देखा होगा कि अगर आपने आइडेंटेशन नहीं दी प्रॉपर तो आपके प्रोग्राम में एरर शो करेगा। ठीक है, सिंबल सिमिलरली हर लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जावा को ले लें तो जावा के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज करते हैं कि यार दिस इज वेयर द स्टेटमेंट एंड्स, इधर आपका एक जुमला खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह सिंबल्स होते हैं तो उसमें सेमी कॉलन आपका एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है जिसके ऊपर आपका मतलब क्या है वो फुल स्टॉप है कि उधर आपकी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, एंड स्पेशल वर्ड्स यूज टू कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें स्पेशल वर्ड्स होंगे, ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं, वो हम लोग जब प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, दिस इज एन एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडल को भी हमने डिस्कस किया था, विल डिस्कस इट लेटर वंस अगेन, आज की ही क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा साइंटिक्स टूल्स एंड हमने ये सब कुछ कर लिया। अच्छा, अ सिंपल जावा प्रोग्राम, वेलकम टू जावा, हेलो वर्ल्ड के लिए जो है दिस इज योर टिपिकल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसको आपने किस तरह से किया, जैसे मैंने आपको बताया, ये नजर आ रहा है ना सबको, एक दफा हैंड रेज करके मुझे बता दें नजर आ रहा है या तो मैं जूम इन करूँ। नजर आ रहा है कोई एक बंदा माइक ओपन करके मुझे बता दे, कोई भी। टेक्स्ट बॉक्स में लिख दो यार अगर नहीं बोलना तो, मुझे आइडिया तो हो कि नजर आ रहा है आप लोगों को। हाँ आ रहे हैं नजर। ओके, ठीक हो गया। चलो अब हम लोग इधर से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम। ठीक है, आप इसको लिख रहे हो, दिस इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम, 6 लाइंस के अंदर आपने कोड लिखा जिससे आप हेलो हेलो वर्ल्ड कह लो, इधर आप कुछ भी लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब हम जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि इसका इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, बेसिकली ये आपका क्लास का ब्लॉक है, ये देख रहे हैं दीज आर द ब्रैकेट्स, ये आपकी क्लास का ब्लॉक है, दिस इज योर मेन मेथड। ठीक है, आपका प्रोग्राम जो रीड होना स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से ही होता है। ठीक है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा और इसको डिटेल में चला जाऊंगा एक दफा। ठीक है, एंड दिस इज वेयर योर लॉजिक इज अप्लाइड। ठीक है, दिस इज द लॉजिक ब्लॉक, इधर आप अपना सारा काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब हम फंक्शंस में जाएंगे तो फिर उधर हम लोग डिफरेंट तरीके से इसको डील करेंगे। अभी एक देख लें, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो ये इधर कीवर्ड लिखा हुआ है पब्लिक का, मैं इसको क्या कहते हैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, दिस इज अ पिक्चर पब्लिक का, आपको नजर आएगा आप जावा में डिफरेंट जब भी आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे पब्लिक क्लास वेलकम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, आपको इसको बार बार लिखना है तो आपको समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब क्या है। एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है, दिस इज एन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन है उस पे कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ तो उसकी एक्सेस सबके पास होगी, दैट मीन्स इट्स अ पब्लिक थिंग। ठीक है, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, एक पब्लिक आप कह लें उसको कि पब्लिक चीज है वो। आपके फोन पे अगर जो है वो पासवर्ड लगा है, प्राइवेसी लगी हुई है, दैट वुड बी प्राइवेट, कि आपका फोन यार प्राइवेट पे आपके अलावा कोई नहीं यूज कर सकता, अगर आपको पासवर्ड पता है यू कैन यूज द फोन। ठीक है, सिंपल ये आपको एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब समझा रहा हूँ। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है वैसे ऊब का, बट मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास 4 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा इधर जो है वो पब्लिक यूज करेंगे। ठीक है, वी वोंट बी नीडिंग टू यूज दैट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, उसका हमारे कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल, जब आप ऊब करेंगे तो आपको टीचर्स उसका भी जरूर गाइड करेंगे। अब हम लोग इधर यूज करें पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर, आपकी क्लास पब्लिक है। ठीक है, मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दिस इज योर एक्सेस मॉडिफायर, कोई आपसे पूछता है कि यार ये पब्लिक क्लास वेलकम एक
क्लास का नेम है, इसमें पब्लिक का क्या मतलब है? तो आप उसको कहेंगे दिस इज एन एक्सेस मॉडिफायर, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, हमारे पास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, हमारे पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है, एंड हमारे पास कोई मॉडिफायर भी नहीं है, नो मॉडिफायर्स को कहते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ पे होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आप लोग ऊप में जाके जरूर पढ़ेंगे, अभी के लिए जस्ट लीव दैट, ठीक है। फिर आपने क्लास बना दिए, ठीक है, जावा के अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम क्लासेस में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, आपने एक पब्लिक क्लास बना दी, आपका जो JDK है वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले यहाँ से, कि एक क्लास को रीड करेगा। अच्छा, क्लास का नेम हमने इधर लिखा हुआ है वेलकम, आपने जिस नाम से अपने कोड की फाइल को सेव करना है वही नेम क्लास क्लास का नेम होना चाहिए, दैट इज वन थिंग टू रिमेंबर। मैं आप लोगों को जब प्रोग्रामिंग अभी करके दिखाता हूँ थोड़ी सी, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है मेरा। आप अपने कोड की फाइल को जिस नेम से सेव कर रहे हैं वही आपकी क्लास का नेम होना चाहिए, एंड क्लासेस का फर्स्ट नेम हमेशा कैपिटल होता है, इधर W कैपिटल है और हमेशा क्लास का नेम कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, ये आपने इसका रूल है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है, दैट इज अ थिंग टू रिमेंबर। अब JDK क्या करता है, JVM क्या करता है, वो आपका प्रोग्राम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करता है, जैसे मैंने आपको कहा था जावा राइट वंस एंड यूज एनीवेयर, आप उसको किसी भी डिवाइस पे दोबारा यूज कर सकते हैं, यहाँ से रीड करता है, एक बाइट फाइल बना देता है, क्लास फाइल बना देता है, ठीक है। उसके अंदर जो कोड लिखा होता है, जिसमें आपको दिखाया भी था उस दिन, मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक दफा, फॉर एग्जाम्पल, ओके हियर, ठीक है, ये इस तरह से अगर आपको नजर आ रहा है, इस तरह की एक फाइल बनती है विच इज नॉट ह्यूमन रीडेबल, दिस इज मशीन रीडेबल, हम लोग इसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, दिस इज द रीजन जावा, आप जावा का कोड एक दफा लिखें एंड यू कैन यूज इट एनीवेयर, ठीक है। तो इधर से आपका एक बनती है फाइल, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग आते हैं पब्लिक पे, सेम पब्लिक मीन्स दैट दिस इज एन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, ये भी प्राइवेट हो सकता है, बट वी वोंट बी गेटिंग इनटू दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसका हमारे कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल, दैट इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ हूप, उसमें जाके हम लोग करेंगे। फिर हम लोग इधर बात करेंगे स्टैटिक की, स्टैटिक का कीवर्ड किस लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हम लोग का ताल्लुक क्योंकि सिर्फ प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स है, इस कोर्स का मकसद ये है कि आपने प्रोग्रामिंग की नॉलेज को ग्रैस्प करना है कि आपने प्रोग्रामिंग करनी किस तरह से है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने उस दिन आपको बताया था एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डाटा पास कराते हैं, उसमें और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं, दैट इज बेसिकली आपका कोड ह्यूमन रीडेबल हो जाता है, इजी टू एक्सेस हो जाता है और उसकी रीयूजेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ऊप हम लोग इससे यूज करते हैं कि आप अपना कोड जो है वो रीयूज कर सकते हैं बहुत दफा, ठीक है। वो इसका क्या मतलब है कि रीयूज क्यों कर सकते हैं हम लोग कोड, तो ये भी रीयूज कर सकते हैं, वो आप लोगों को आगे जाके ही समझ लगेगी जब आप लोगों को प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। अभी आपने इसका मतलब ये समझना है, जब हम लोगों ने स्टैटिक का कीवर्ड यूज किया, दिस इज अ कीवर्ड, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि कीवर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं, इस तरह से हमारे पास ये स्टैटिक का कीवर्ड है, ठीक है। दिस मींस, दिस इंडिकेट्स दैट वी आर नॉट गोना बी यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या है, इधर void लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जब हम लोग फंक्शंस में जाएंगे उधर भी इस तरह void लिखा होगा, integer लिखा होगा, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। दिस इज योर डाटा टाइप, ठीक है, दिस इज योर डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या होती है, मैं इसमें आगे जाके आपको बताता हूँ, बस अभी दिस इज द डाटा टाइप, void इज योर डाटा टाइप, एंड void का मतलब होता है, वैसे टेक्निकली आप लोगों को मतलब समझ आ रहा होगा, void का मतलब होता है null, मतलब नथिंग। सो दिस मीन्स इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है, दिस इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। अभी आप लोगों को रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी नहीं सही से आता होगा, मैं एक एक चीज आपको वो भी डिस्कस करूंगा। अभी आप बस ये समझ दें कि दिस इज एन एक्सेस मॉडिफायर, दिस इंडिकेट्स दैट वी आर नॉट गोना बी यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज आवर रिटर्न टाइप, विच मीन्स कि इसमें हमें कोई रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है और आपका मेन फंक्शन हमेशा वॉइड ही रहता है, अनलेस और अनटिल आप लोग ऊप में जाते हैं, उधर जाके चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब मेन का लिखा है, असल में आपकी जो लॉजिक का कोड एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, वो यहाँ से होता है, जो आपकी लॉजिक में फॉल्स होते हैं फिर वो इधर से एग्जीक्यूट होते हैं, सब कुछ इधर से एग्जीक्यूट होता है मेन से, उसने सबसे पहले आपका मेन फंक्शन देखना है। जब हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, आपने शायद पाइथन में पढ़ा हो, तो हम लोग इधर कोई और फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं, फिर एक वो चेन चलती है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया स्ट्रिंग एंड आर्ग्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब यह है हमारे पास एक फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन है, जिधर से प्रोग्राम रीड होगा, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब इसमें से कोई डाटा टाइप वॉइड है, जिसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा हमारे पास। स्टैटिक का वर्ड इंडिकेट्स दैट हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं यूज करेंगे, ठीक है, एंड
पब्लिक का मतलब यह है दिस इज एन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें क्या है, स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूज मतलब मेन का फंक्शन है, रिटर्न टाइप वॉइड है, स्टैटिक का कीवर्ड है, पब्लिक है, इसमें हम लोग स्ट्रिंग्स यूज करेंगे एंड आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे। ए आर जी एस स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रिंग्स के ऊपर क्या कहते हैं कंसिस्ट करेगा और आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा, ठीक है। अब इधर एक कॉमेंट करने का तरीका ये है, ठीक है, आप लोगों ने इधर देखा ये एक कॉमेंट हुआ है हमारे पास, आप लोगों ने पाइथन में भी कॉमेंट्स पढ़े होंगे, हैश इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग हैश यूज करते हैं पाइथन में कॉमेंटिंग के लिए, ठीक है। सेम इधर हम लोग ये डबल स्लैश यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैक स्लैश यूज कर रहे हैं कॉमेंट करने के लिए अपने कोड को, ठीक है। अभी ये सिंगल लाइन कमेंट है, अगर आपका मल्टी लाइन कमेंट होता तो आप इसकी जगह एस्टेरिक का साइन जो है वो यूज करते और एंड के ऊपर भी एस्टेरिक और बैक स्लैश करते तो आपका कमेंट हो जाता, वो उसके ऊपर भी हम लोग जब कोड अभी करते हैं तो इसको भी एक दफा देख लेंगे। फिर आप देखें हमारे पास एक आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हमने ये लिखा, दिस इज आवर स्ट्रिंग वेलकम टू जावा, ये सेमी कॉलन मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, हम लोग जब भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे कुछ भी कर रहे होंगे हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज करेंगे वरना आपका प्रोग्राम एरर देगा, ठीक है, सेमी कॉलन मिसिंग का एरर देगा, ठीक है। अब हम इसको जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये सिस्टम का क्या मतलब है। इधर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब क्लास का नेम रख रहे होंगे तो हमेशा पहला वर्ड कैपिटल होगा, ठीक है। सिमिलरली सिस्टम एक बिल्ट इन क्लास है जावा के अंदर जो कि हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका एस जो है वो कैपिटल है। जहां भी आपको इस तरह नजर आए जो कीवर्ड्स हो जिनका पहला वर्ड कैपिटल हो, दैट मींस दीज आर द बिल्ट इन क्लासेस। अभी तो मेरे जहन में और कोई भी नहीं है, मेरे जहन में यही है सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, ये आई गेस सो ऑब्जेक्ट है इसका बिल्ट इन बना हुआ है। प्रिंट लाइन एक फंक्शन है जो आपकी लाइन, एल एन स्टैंड फॉर लाइन, ठीक है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, लाइन इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। ln basically stands for new line, आप ln खत्म भी कर दें, system.out.print कर दें तब भी ये रन होगा, ठीक है। तो या दिस इज द एनाटॉमी के यार इस तरह से चीजें कायम होती हैं, चलती हैं, ठीक है। अब इसको कंपाइल किस तरह से करना है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से जो है वो इन चीजों को कर सकते हैं। आपने अपना देखें, आपने फॉर एग्जाम्पल मैं एडिटर यूज करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट और मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि सबलाइम टेक्स्ट जो है वो ही यूज करें, ठीक है। कैंसिल करेंगे, कंट्रोल न्यू करता हूँ, एक अनटाइटल्ड फाइल आ गई हमारे पास, इसको मैंने सेव करना है, मैं जो है वेलकम डॉट जावा से, ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं बनाऊंगा वेलकम डॉट जावा। ये आपका तरीका है फाइल नेम सेव करने का, आपने फाइल नेम सेव कर लिया, देखें आप टॉप पे आ गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पब्लिक क्लास, जैसा मैंने कहा था जो आपकी फाइल का नेम है वही आपकी क्लास का नेम होना चाहिए और पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए वेलकम, एंड इसके साथ हम डॉट जावा ने लिखेंगे। ये देखें एक डबल ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स आ गई हमारे पास, दिस इज अ स्टैंडर्ड वे जिसमें आप जावा का कोड लिखते हैं, प्रेस द एंटर, आइडेंटिफिकेशन इसमें होगी, इसमें आइडेंटिफिकेशन मैटर नहीं करती, ठीक है, पाइथन की तरह इसमें आइडेंटिफिकेशन मैटर नहीं करती, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम रीडेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग एंड आर्ग्स, इसमें भी स्पेस मैटर नहीं करती बट वी जस्ट keep that for readability। फिर हमने दोबारा curly brackets लिखी जिसके अंदर हम लोग जो है अपना प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया this from here is the class block जिसमें आपकी class के अंदर सब कुछ चीजें आती हैं, this is your main function block, ठीक है, और इसके अंदर आपका बाकी code जो है वो आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मल्टी लाइन कमेंट आपने करना है तो आपका होगा ठीक है, दिस इज द वे, इस तरह से आप जो है हेलो कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख लिया आपने, और एंड करने का तरीका यही है, इस तरह से आपका ये मल्टी लाइन कमेंट का स्टैंडर्ड सिंटैक्स होगा, ठीक है, एंड ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, हम लोगों ने अब जो है वो प्रिंट करनी है स्टेटमेंट, अभी मैं इसमें ln लिखूंगा ताकि आप लोगों को नजर आए कि ठीक है।
ठीक है, ये हमारा एक जो है वो प्रोग्राम होगा, इसको कंट्रोल भी करेंगे, तो हमारा फिनिश्ड इन 0.8 सेकेंड्स, मतलब हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब हमने इस कोड को रिजल्ट तो देखना है यार, वेलकम टू जावा ये किधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ CMD के अंदर। CMD आपको होता है कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको आप अपने कीबोर्ड के ऊपर विंडोज R प्रेस करेंगे तो आपका इस तरह से एक आ जाएगा ऑप्शन, आप इसको इधर से सर्च भी कर सकते हैं। ओके करता हूँ, मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ CD डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्योंकि आप सॉरी डेस्कटॉप में, ठीक है, आप देखें टॉप के ऊपर ये डायरेक्टरी नजर आ रही है हमें कि हमारे प्रोग्राम किधर है। सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर आसिम डॉट जमील, उसमें डेस्कटॉप का एक फोल्डर है, डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम lab1oop है। ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे पास एक प्रोग्राम है वेलकम डॉट जावा। ठीक है, तो अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ CD डेस्कटॉप। इधर CD का मतलब पता क्या है, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आपकी ये होती है जिधर आप लोगों की, सॉरी, जिधर आप लोगों की फाइल जो है वो सेव हो रही होती है। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दिया था, CD डेस्कटॉप। फिर मैं लिखता हूँ चेंज डायरेक्टरी lab1, ये मेरा थोड़ा पुराना काम था, सॉरी, एंटर। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ जावा सी, जावा सी की देखें हमने, मैंने इधर फिनिश इन 0.8 सेकंड, बिल्ड इन कमांड यूज कर ली, कंट्रोल बी करके जो है वो कंपाइल कर लिया इसको। ठीक है, आप लोगों ने जब ये करना है तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जावा सी करेंगे, आप आगे अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे वेलकम डॉट जावा। ठीक है, यू प्रेस एंटर, कुछ भी शो हुआ, आगे कंटिन्यू कर रहा है, दिस मीन्स आपका कोड जो है वो कंपाइल हो चुका है। ठीक है, वी मूव ऑनवर्ड्स, मैं लिखता हूँ दोबारा से जावा। अब जावा लिखेंगे, अब हम जावा सी नहीं लिखेंगे क्योंकि कोड हमारा कंपाइल हो चुका है। ठीक है, द सी हियर स्टैंड्स फॉर कंपाइल, जावा कंपाइलर। ठीक है, वेलकम टू डॉट जावा। अब मैं लिखता हूँ वेलकम, जो हमारी फाइल का नेम था, एंटर, एंड वेलकम टू जावा, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, दिस इज इट। ठीक है, एंड वेयर वर वी, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, अब ये एनाटॉमी ऑफ जावा, ठीक है, जो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, क्लास नेम, मेन मेथड, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, रिजर्व वर्ड्स, कमेंट ब्लॉक्स, आई होप सबको समझ आ गई होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, आई एम टेकिंग अ ब्रेक हियर, आप मुझे बताएं, किसी को कुछ नहीं समझ आया, रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज, और अगर सबको समझ आ गया तो काइंडली एवरीवन रेज योर हैंड। ओके okay. और जो बाकी है हमारे साथ मीटिंग में, काशिफ, आपको समझ आई है? जी, मुझे समझ आ गई है, मैंने बेसिक कर लिया है। हाँ, ओके, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या आपकी, आप इधर जाएं, आप इधर लिखते हैं CMD, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड, आप लोगों ने जावा की जो है वो क्या कहते हैं पाथ नहीं अभी सेट किया होगा, हम लोग उसकी तरफ भी आएंगे, बट एक दफ़ा आपको ये बेसिक समझ आ जाए फिर हम लोग आप लोगों की मैं डायरेक्टरी एक ही दफ़ा सेट करवा दूंगा, परमानेंट सेट करा दूंगा, टेम्परेरी आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने ये बात की, ये है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने CD की कमांड दी, मैंने देखा कि यार मैंने इस कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, मैं किस तरह से करूँ, मैंने देखा ये प्रोग्राम मैंने सेव किधर किया, मैंने देखा ये सेव्ड है डेस्कटॉप के अंदर, उसके अंदर एक फोल्डर है lab1oop, उसके अंदर एक फाइल है वेलकम डॉट जावा। अब हम इसको जरा इधर से देख लेते हैं। ठीक है, मैं इधर गया, मैं डेस्कटॉप में गया। ठीक है, डेस्कटॉप में मैं आया, मैंने देखा इधर lab1oop का एक फोल्डर बना हुआ है, इस पे मेरे वो टास्क हुए हुए हैं, इससे मैंने देखा ये वेलकम का एक प्रोग्राम मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने CMD पे ये कमांड दे के रन कर लिया। ठीक है, अब CD के अंदर मतलब ये है चेंज डायरेक्टरी, आपकी डायरेक्टरी क्या है, ये जो आपका पाथ है आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर डायरेक्टरी। ठीक है, जिधर आपका प्रोग्राम सेव है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था एक क्लास फाइल बनती है, आपको नजर आ रही है, एक क्लास फाइल जनरेट हुई
और फिर आपका जो कोड है वो कंपाइल हुआ रन हुआ, ठीक है। इसमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं, हम लोग को तो नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ है, दिस इज ओनली मशीन रीडेबल, ठीक है। एंड या दैट इज इट हियर, आई होप आपको अभी अभी समझ आई है। मैं एक दफ़ा इसकी तरफ दोबारा आऊँगा आयशा, जब हम लोग जो है इसको, मैं आपका पाथ अभी सेट कराता हूँ थोड़ी देर में, तो इस एक दफ़ा हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक दफ़ा हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। जावा प्रोग्राम मस्ट at least one must have at least one class, मतलब एक क्लास तो लाजमी होनी चाहिए उसमें ताकि एक क्लास फाइल बन सके, ठीक है। अब आगे लिखा है क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम, जो बात मैंने भी आपको बताई है, क्लास का नेम और आपकी फाइल का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। इन जावा ऑल कोड मस्ट रिजाइड इनसाइड द क्लास, मतलब आप क्लास के बाहर कोई कोड लिखते हैं दैट वोंट बी एग्जीक्यूटेड एंड प्रोबब्ली इट विल गिव एन एरर, ठीक है। जावा इज केस सेंसिटिव, इसका मतलब यह है कि आप इस पब्लिक का पी कैपिटल कर देंगे इट विल गिव एन एरर, ठीक है। इस सिस्टम का एस स्मॉल कर देंगे इट विल गिव एन एरर। मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैंने एस लिखा, आप इसका देख रहे हैं कलर चेंज हो गया, ठीक है। इट मींस इट विल गिव एन एरर, ठीक है। सिस्टम पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपका एक पैकेज है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ही करता हूँ, दैट वर्क्स फाइन, ठीक है। दैट इज इट। फिर आपका मेन मेथड है जावा प्रोग्राम बिगिंस द एग्जीक्यूशन बाय कॉलिंग द मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड से स्टार्ट होता है जैसा कि मैंने आपको कहा। स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, द स्टेटमेंट इज प्लेइंग वेलकम टू जावा ऑन कंसोल सिस्टम डॉट आउट ऑन प्रिंटलाइन, ठीक है, जो अभी हमने बात की। फिर हमने कहा एवरी स्टेटमेंट एंड इन जावा एंड्स विद अ सेमी कॉलन, जो मैंने आप लोगों को बात की कि सेमी कॉलन के बगैर आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल गिव एन एरर। एक दफा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप जब प्रोग्रामिंग करें ना तो एरर से डरना नहीं है, आपने एरर रीड करने की कोशिश करनी है कि इसमें एरर क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, इसने कहा इस प्रोग्राम के अंदर वेलकम लाइन नंबर 4 के अंदर एरर आ रहा है, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है एंड मिसिंग सेमी कॉलन, तो हम लोग चुप करके एक सेमी कॉलन लगा देते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं एंड इट वर्क्स, ठीक है। दिस इज द थिंग एंड वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अ पेयर ऑफ ब्रेसेस इन द प्रोग्राम फॉर्म्स अ ब्लॉक दैट ग्रुप्स अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्लास ब्लॉक हो गया, मेन ब्लॉक हो गया एंड दिस इज इट, ठीक है। टोकन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपके टोकन होते हैं, स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, ठीक है। ये हमने इधर बात की, हम नीचे देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास, की वर्ड कौन से हैं, रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं, देखें। करेक्टर नेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस डिनोट्स अ ब्लॉक टू इनक्लोज स्टेटमेंट्स, ये आपके बेसिकली क्लास के लिए और आपका जो फंक्शन आप क्रिएट करते हैं उनके लिए यूज होते हैं ये। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये आपके मेथड्स के साथ यूज होते हैं जिसके अंदर आप पैरामीटर्स दे रहे होते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड दिस डिनोट्स एन अरे, अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। डबल स्लैशेस, ये हम लोग जो है कमेंट के लिए यूज करते हैं, ये आपको पता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोटेशन ये आपकी स्ट्रिंग्स के लिए यूज होती हैं। एंड सेमीकॉलन एज आई सेड कि ये आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ठीक है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जिनको आप अपने वेरिएबल्स को नेम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये इधर लिखा हुआ है, स्पेसिफिक मीनिंग टू द कंपाइलर एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस इन द प्रोग्राम, इसका ताल्लुक सिर्फ कंपाइलर से है, कंपाइलर इस चीज को समझ सकते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह ये लिखा हुआ है इंट, इंट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीजर, फ्लोट बेसिकली आपका एक डेटा टाइप है, डबल आपके लिए एक डेटा टाइप है, इसको हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे। चार आपका स्टैंड्स करता है करेक्टर के लिए, दिस इज अ डेटा टाइप। वॉइड मैंने आपको शुरू में बताया था, दिस इज अ डेटा टाइप। पब्लिक मैंने आपको बताया था एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक का कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। थ्रोज ये हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में जाके पढ़ेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं। एंड रिटर्न, हम लोग जब कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाके, हम लोग मेन फंक्शन के अंदर, मेन मेथड के अंदर हम लोग डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे और उसमें से हम लोग वैल्यूज रिटर्न करेंगे, तो उधर जाके ये कीवर्ड यूज होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स दैट आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स सच एज क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्राम्स। एन आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड अ डॉलर साइन। आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद द लेटर एंड अंडरस्कोर, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफायर्स आपके बेसिकली होते हैं वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। आपके मेथड के नेम हो सकते हैं, आपके वेरिएबल के नेम हो सकते हैं, जैसे आपने लिखा इसमें कोई, इसमें एक सेट ऑफ रूल्स है कि आप इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
आप अंडरस्कोर से अपना जो है वो आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट कर सकते हैं, आप डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप लेटर डिजिट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से नहीं आप कर सकते, सॉरी, अंडरस्कोर लेटर और डॉलर साइन से कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपका जो मेन चीज़ ये है कि आप पहला वर्ड उसका कैपिटल ना करें, ठीक है, आप कैपिटल ना करें, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन। क्या आप अपने वेरिएबल्स को किस तरह से नेम करें, वेरिएबल्स आपकी क्या होते हैं, आप लोगों को वेरिएबल्स का तो पता है ना क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स वो होते हैं, वेरिएबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी, मतलब इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट मीन कि यार एक फिक्स्ड वैल्यू है पूरे प्रोग्राम में वही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, वेरिएबल की वैल्यू आप फंक्शंस परफॉर्म करके उस पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल एक्स के नाम से डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू आपने फायर की, आगे आप क्या करते हैं, आप लोग उसके अंदर टू ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी, तो इस तरह वो चेंज होता रहता है। उसको नेम करने का कन्वेंशन क्या, मैंने एक्स लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बट एक प्रॉपर वे है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग रेडियस या एरिया कैलकुलेट करें, आप पहला वर्ड स्मॉल में रहेगा, कैपिटल में नहीं रहेगा, ठीक है, कैपिटल से आपकी क्लास का नेम हमेशा स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, कैपिटल से आपने स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, नेम आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आप देखें एरिया, कंप्यूट एरिया का हम लोग मेथड एक बना रहे हैं, हमने ए कैपिटल कर दिया, दो वर्ड है इसमें, हम जो दूसरा वर्ड होता है अमूमन उसका वर्ड कैपिटल करते हैं, अब इसके आगे अगर फॉर एग्जांपल रेडियस लिखा होता हम आर कैपिटल करते थे उसका, ठीक है, दिस इज अ नेमिंग कन्वेंशन, जिस तरह से आप अपना नेम करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्लास नेम, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द नेम, फॉर एग्जाम्पल द क्लास नेम कंप्यूट एरिया, ठीक है, आपने एक क्लास नई कंप्यूट एरिया और आपने एक फंक्शन बनाया कंप्यूट एरिया, तो उसमें डिफरेंस यही रहेगा कि क्लास में सी कैपिटल होगा, फंक्शन के अंदर जो सी है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कैपिटलाइज ऑल लेटर्स इन कॉन्स्टेंट एंड यूज अंडरस्कोर्स टू कनेक्ट वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टेंट पाई एंड मैक्स वैल्यू, या आपने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर दिए तो आपने कॉन्स्टेंट में जो भी लेटर है वो सब कैपिटल में रहेगा, ठीक है, उसमें आप अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इधर डॉलर साइन लगा सकते हैं, डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपको गाइड किया हुआ कि आप किस तरह से अप्रोप्रिएट कमेंट्स करें, आपका कोड रीडेबल रहेगा, नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग दें आप, जिस तरह हमने इधर जो है वो स्पेस दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर भी स्पेस नहीं देता, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इधर भी स्पेस नहीं देता और इधर वाली स्पेस भी ख़त्म कर देता हूँ और ये भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं कंट्रोल भी करता हूँ, अभी भी कोड रन कर रहा है, कोड तो रन हो जाएगा, आप एक लाइन में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कोड रन होता जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन कोड को एक डिसेंट वे में आपने प्रेजेंट करना है, जिसका तरीका ये है, जिस तरह से हमने ये लिखा है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है एंड कोड रीडेबल रहता है, दिस इज द वे, ठीक है, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स। अब इसमें हमारे पास क्या रह गया है, ब्लॉक स्टाइल्स, अप्रोप्रिएट कमेंट्स, नेमिंग कन्वेंशन भी हमने कर लिया, आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्रामिंग एरर्स की बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ओके, सिंटैक्स एरर्स, ठीक है, आप लोगों ने कहीं पे सिंटैक्स में गलती कर दी, फॉर एग्जांपल अ मिसिंग सेमीकोलन और समथिंग लाइक दैट, जैसे सिस्टम का एस हमने स्मॉल कर दिया, दैट इज योर सिंटैक्स एरर, और वो आप जब कोड को कंपाइल करते हैं, ठीक है, जिधर कोड कंपाइल हो रहा होता है, कंपाइल का मतलब पता है ना आप, आई होप एवरी वन अंडरस्टैंड, अगर किसी को नहीं पता तो पूछ ले, आप कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो वो सिंटैक्स एरर उसी टाइम बता देता है, ठीक है। फिर हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के एरर्स, इसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर्स, ठीक है, सिंटैक्स एरर कोई कंपाइल टाइम एरर होता है, वो कंपाइलिंग के टाइम पे बता देता है, बेसिकली ये सिंटैक्स एरर्स ही होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है रन टाइम एरर, रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ, आपने कोड लिख लिया एक, ठीक है, और कोड कंपाइल हो गया बिल्कुल A1, आपको लगता है यार ओके फाइनली आई एम डन विद इट, कोड मेरा बहुत परफेक्ट तरीके से जो है वो कंपाइल हो गया, नाउ इट्स गोना वर्क, लेकिन जब आप उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं या यूजर से वैल्यूज देते हैं और करते हैं, तो आपको पता लगता है यार इसमें तो कोई एरर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने ये स्टेटमेंट लिखी, हम इधर लिख के देखते हैं, इफ इट वर्क्स आउट,
वन डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है, लेट्स कंपाइल हो गया हमारा, अपेरेंटली देर इज नो एरर, कंपाइल तो हो गया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हो तो आप सबको पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, इस तरह के एरर्स आते हैं रन टाइम। अभी मैं इधर करूंगा, देखना आप, ठीक है, ठीक है, इसने हमें एरर दे दिया, दिस इज द रन टाइम एरर जो हमारे पास आएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करके वन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल बी करते हैं एंड वी रन आवर कोड अगेन, इट्स गोना गिव अस वन, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, कोई आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, आपका प्रोग्राम ऐसे जिसमें आपको यूजर से इनपुट चाहिए, उसमें कोई यूजर अनयूजुअल वैल्यू पुट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आपको नंबर चाहिए था कि यूजर हमें नंबर दे, ठीक है, तो भाई वो भाई साहब कहते हैं नहीं यार मैं नंबर तो नहीं दूंगा तुम्हें, मैं तो तुम्हें कोई कैरेक्टर दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा, तो वो फिर आपके कोड में एरर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके कोड में कोई लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, आपकी लॉजिक में कोई फ्लॉज हो सकती है, कंपाइल होगा ये कोड, रन टाइम एरर भी नहीं शो करेगा, आंसर भी आपको देगा बट आंसर इनकोरेक्ट होगा, ठीक है। आप ये कह लें कि यार मुझे 7-3 करना है, आंसर मेरे पास 4 हो, लेकिन आप लॉजिक में ये करते हैं कि यार 3-7 कर देते हैं तो ऑब्वियसली आंसर इसको ना भी -4, इस तरह के एरर्स जो हैं वो आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें होती क्या, लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसने एक हमें सर ने एक बताया कि कॉमन एरर्स जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में जो है वो गलतियां कर देते हैं, सेमी कॉलन्स अक्सर मिस कर देते हैं, कोटेशन मार्क्स अक्सर मिस कर देते हैं, और मेन को कैपिटल लिख देते हैं। मेन आपका एक फंक्शन है, मेथड है, उसको हमेशा स्मॉल में लिखना है, कहीं भी मेथड लिखेंगे, कोई भी फंक्शन लिखेंगे, उसको हमेशा आपने स्मॉल में लिखना है, ठीक है। एक्टिविटी आइडेंटिफाई एंड फिक्स द एरर्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें अगर कोई बंदा माइक ओपन करके मुझे एरर बताए कि क्या एरर है, एनीवन इस कोड में, सर मेन का एम कैपिटल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो इसको स्मॉल करेंगे तो कोड हमारा बिल्कुल सही से रन करेगा, ठीक है। एंड इसमें कोर एरर दिया, और कौन बताएगा क्या एरर है इसमें, कौन बताएगा, एक एरर और है इसमें सर, स्टैटिक का वर्ड भी नहीं है, एक और एरर भी है इसमें, नाइस एफर्ट, ब्रैकेट और लगनी चाहिए, कोटेशन मार्क्स भी सही से लगे वो, ब्रैकेट और लगनी चाहिए, वेल आइडेंटिफाइड बोथ ऑफ यू, hats off to you, इसमें बिल्कुल quotation marks भी और लगनी चाहिए and एक bracket भी और आती है जो कि मैंने miss कर दी है, ठीक है, thank you, very well done, ठीक है। अब ये तो देखने में डर लगता है यार, ये क्या है, for loop लगा के java print क्या है भाई, ये मुझे भी नहीं आता, सीधी बात मैं बताऊंगा ना, ये आप लोगों को करने की जरूरत है, this is just stupidity, ठीक है, and कोई बहुत ही अच्छे programmer कभी बन जाओ तो फिर this is possible, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट, दिस इज इजी, ये आप तो कर सकते हो, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो करें, ये कोई अगर ट्राई करके मुझे बताए ना, इट सीम्स लाइक एन एक्साइटिंग टास्क, लेकिन चैट जीपीटी से नहीं करना, सीखेंगे इंशाल्लाह हम, ये भी करना सीखेंगे, तो देखते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा जो है प्रोग्राम ख़त्म हो गया, हमारे दो लेक्चर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, एंड इट टुक एन आवर, मुझे उम्मीद नहीं थी घंटा लगेगा, बट ओके अच्छा, इन दो लेक्चर्स में किसी का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन आता है जहन में तो यार पूछो, एनीवन, सिर्फ सूडो कोड जो लिखेंगे प्रोग्राम के साथ वो फिर कमेंट सेक्शन के साथ लिखेंगे ना, क्योंकि ओके देखें आपको एल्गोरिथम्स भी नहीं लिखने हैं, आपको फ्लो चार्ट्स भी नहीं, सॉरी कैन गेट फाइव बाय, बट मैं वो समझ गया, हाँ पूछें, ये मीटिंग तकरीबन 5 मिनट में ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, तो आप एक्स्ट्रा सेशन लेंगे कि नहीं, मैं लेना चाह रहा हूँ, अगर मुझे ये 7 जो स्टूडेंट्स हैं वो बताएं, शुड वी कंटिन्यू दिस और बस एक क्वेश्चन एंड करके शुड वी स्टॉप द लेक्चर फॉर टुडे, फिर वीकेंड पे मैं अपनी जगह अपने किसी फ्रेंड को कह दूंगा, वो आप लोगों को लेक्चर ले लेगा, एक आधा डेटा टाइप्स के ऊपर, व्हाट डू यू से,
मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट से पूछ रहे अगर इन्होंने एक्स्ट्रा सेशन लेना हो तो मैं फिर लिंक वगैरह वो करवा दूंगा। गाइस बताएं आप लोग लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा सेशन, माइक ओपन करके बता देना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वोट आ गया हमारे पास, बाकी जो चार लोग हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तीन लोग हैं गैस, अरुण, आयशा, सबीन, नो प्रॉब्लम, ओके। एंड आयशा एंड सबीन, डू यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम? सर वीकेंड पे कर लेंगे। वीकेंड के ऊपर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है वैसे। ओके ओके, टॉपिक हमारा इतना लेंथी नहीं है, सिर्फ डाटा टाइप्स को ही डिस्कवर थोड़ा बहुत हमने स्टडी करना है। चलें बस चवेरिया का क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। देखिए सूडो कोड एल्गोरिदम आपने जो है वो लिखने नहीं है कोड के साथ, वो सिर्फ आपकी अपनी जो है सेटिस्फैक्शन के लिए कि आपने कोड किस तरह से करना है। आप जब एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं, जब आपको आदत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको ना सूडो कोड लिखने की जरूरत पड़ती है ना एल्गोरिदम लिखने की जरूरत पड़ती है। बेशक अगर आपको लगता है कि आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं सूडो कोड एल्गोरिदम्स के बगैर, तो बिस्मिल्लाह आप सूडो कोड एल्गोरिदम्स के बगैर करें। आप लोग माइंड मैपिंग करें कि यार दिस इज इन माई माइंड, मैंने इस तरह से सॉल्व करना है प्रॉब्लम, तो दैट विल वर्क। ठीक है, एंड यार आधे घंटे का एक सेशन और रख लेते हैं जरी, आधे घंटे का ना एक और सेशन रख लो। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट आर इन दिस मीटिंग। ठीक है यार, मैं सही बताऊंगा, मैंने सुबह का सिर्फ नाश्ता किया, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, मैं घर आया हूँ अंडाते साथ ही बस इस पे बैठ के हूँ आप लोगों को बढ़ाने के लिए। तो आई एम थैंकफुल जो लोग इस मीटिंग में आए हैं, लाइक यू गाइस टेक योर सीरियस स्टडी सीरियसली, विच इज़ रियली एडमायरेबल एंड एप्रिसिएशन शुड बी डिजर्व्ड। ठीक है, तो आधे घंटे का बस एक सेशन रखते हैं और डाटा टाइप्स हम लोग बस पढ़ेंगे। एंड मैं आप लोगों का जो है वो सी एम डी सेट करा दूँ एक दफ़ा, सबलाइम टेक्स्ट सारे डाउनलोड कर लें एंड दैट विल बी इट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये देखें एजुकेशन जो इल्म होता है ना वो आपके पास अमानत होता है, वो आपको हमेशा दूसरों को जो है ना वो पास ऑन करना चाहिए। एंड दिस मीटिंग इज अबाउट टू एंड, तो अभी आप लोगों को दूसरी लिंक आ जाती है। थैंक यू।